मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में चल रही भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मणी विवाह, महाराज लीला, फूलों की होली की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कथावाचक सुश्री तृप्ति देवी ने बताया कि राजा भीष्मक के घर रुक्मणी का जन्म हुआ। बाल अवस्था से भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पति के रूप में चाहती थी। रुक्मणी ने स्वयं अर्थात प्रभु को प्राप्त करने के उपाय भी बताए। प्रतिदिन पार्वती जी की पूजा करने से स्वयं को मनचाहा पति प्राप्त होता है। सच्चे मन से प्रभु की उपासना करने से मन की शुभकामनाएं पूर्ण होती। सुंदर भजनों के साथ महारास लीला में फूलों की होली खेली गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति रस का भरपूर आनंद उठाया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के